नाजरीन हमारे साथ इस वक्त मसूद बाला साहब हैं, ये जकुरा एरिया में रहते हैं। इनके फादर को और मदर का अब कोविड पॉजिटिव आया था, उसके बाद इनका भी कोविड पॉजिटिव आया, इनकी फैमिली में काफी सारे लोग पॉजिटिव आए। लेकिन ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोगों की जान से खेला जा रहा है स्किम सौरा में, क्योंकि ये भी वहीं पर है इस वक्त अपने वालिद के साथ, और ये आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाएंगे कि कैसे लोगों की जानों के साथ यहाँ पे सरकार जो है उनने खुली डील दे रखी है स्किम सौरा को लोगों की जान से खेलने की। जी मसूद साहब बताएं, सबसे पहले तो आप बहुत परेशानी में, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है क्या, ताकि लोग भी समझे कितनी लोग मुश्किलात का सामना करते हैं यहाँ सौरा में। माजी साहब, मैं बुरे हालो आया मतलब हौले आया से कह रहा हूँ कि जब मेरे फादर की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उनकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी कम आ गई, तो मुझे बोला गया कि आप इसको एडमिट करो। जब मैं एडमिशन के लिए गया, पहले मुझे यहाँ पे बोला गया कहीं आप इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी वालों ने कहा कि आप दूसरे इमरजेंसी वार्ड वन में जाओ। बिल्कुल मैंने कहा मैं भी पॉजिटिव आया हूँ, मुझे आप मत घुमाओ, क्योंकि अगर मैं हर कमरे में जाऊँगा तो मेरे साथ वो भी लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। बट कोई केयर नहीं है, कुछ पता नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, वहां से एक्सरे कराओ, यहाँ से सीटी कराओ। जो प्रोटोकॉल कोविड का है, एक बार पेशेंट आना चाहिए था, खुद ये हॉस्पिटल वाले उसमें एडमिट करते और हमें बोलते भाई आप जाओ हम केयर करेंगे। बट ऐसा है कि जब हमें एडमिट किया गया, बड़ी मुश्किल से सिफारिशों से हमें एडमिट कर दिया गया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप अपने पेशेंट के साथ रहो, और मैं पेशेंट के साथ, हम पेशेंट के साथ क्या रह रहे हैं, उनके नीचे पाँव के पास सोते हैं। यहाँ पे ऐसे ही सारे पेशेंट हैं जिनके साथ लोग अपने रिश्तेदार रह रहे हैं, और कोविड पॉजिटिव अगर वो नहीं है तो कोविड पॉजिटिव होकर न्यूमोनिया एक्वायर करके खत्म हो रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि जो अटेंडेंट साथ आते हैं पेशेंट के, वो भी एक्वायर कर जाते हैं ये बीमारी और वो फिर न्यूमोनिया हो जाता है उनको। उसके बाद वो हर जगह पे घूमते हैं अस्पताल में, कहीं जाओ आप जी एक्सरे लाओ वहां से, आप जी दवाइयां लाओ वहां बाहर से, कोई दवाइयां नहीं मिलती है, जाओ जी ये वहां गेट ये जी उधर से ये दवाई वहां से लाओ, ये दवाई वहां से लाओ। मतलब आपका कहना है जो दवाइयां कोविड के लिए चाहिए वो अस्पताल में दस्तियाब नहीं है, वो बाहर से लानी पड़ती हैं। बाहर से लानी पड़ती है, इंजेक्शन बाहर से लाने पड़ते हैं, कुछ लोग दवाइयां यहाँ पे देते हैं, लेकिन बाकी बाहर से लानी पड़ती है। और मैं कहता हूँ ये बाहर से लाएंगे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये खुद अस्पताल वाले लाए और हमें बंदे बिल करे, भैया आपका जो पेशेंट है इसका बिल 5 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए आ गया, ये दे दो जी। आप बोलते हो जो उनका अटेंडेंट है वो भी पॉजिटिव है, उसको भी तो जाओ जी आप दुकानदार के पास दवाई लाओ। दुकानदार के पास 10 लोग, यहाँ पर इतना रश रहता है बहुत अच्छी पोरा में, हम वहाँ पे खड़े रहते हैं कि दवाइयाँ दे दो, हम भी पॉजिटिव, जिसको मैंने तो जिससे ले ली वो भी पॉजिटिव हो गया। इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, इतनी मिसमैनेजमेंट है, मुझे लगता है 99% लोग यहाँ पे कोविड पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब आपका कहना है जो लोग अटेंडेंट भी साथ आते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट इस अस्पताल में है। मैं कह रहा हूँ वी आर स्टिंग ऑन ए टाइम बॉम्ब, वी आर स्टिंग ऑन ए टाइम बॉम्ब। अच्छा, आपके आपके वालिद की कैसी तबीयत है जी? उनको उन्होंने रेमडेसिविर दे दी है, बट अभी अभी तो ठीक है, अभी ऑक्सीजन पे है, वो कम ऑक्सीजन पे है, बट मुझे लगता है कि आई डोंट नो, शायद मैं घबरा गया हूँ, मैं डर गया हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें इतना अच्छा, वो मिसमैनेजमेंट है और हमें केयर नहीं मिला यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं एक तो पेशेंट को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो पेशेंट को इंसान ले जाता है स्किम सौरा इलाज के लिए, लेकिन उसके बरक्स होता क्या है कि जो अटेंडेंट भी साथ है वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और इतनी मिसमैनेजमेंट है कि उसी अटेंडेंट को इन्फेक्ट होके हर जगह जाना पड़ता है, दवाई लाने भी, एक्सरे के लिए भी, सीटी के लिए भी, जहां कोई प्रोटोकॉल मैनेज नहीं किए जा रहे, मेंटेन नहीं किए जा रहे, और ये इन्फेक्शन जो है फैलता जा रहा है सौरा सौरा। डेफिनेटली डेफिनेटली यही बात है। मैं किसी डॉक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम पे उंगली उठा रहा हूँ। मुझे डॉक्टर्स ने यहाँ पे बहुत केयर किया, बट जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत घटिया है। जी मसूद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। इनफैक्ट सब लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं, जो ड्यूटी पर हैं, वो बेचारे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो इंतजामिया है, उनने ऐसी मिसमैनेजमेंट रखी है, ऐसा वो कहते हैं ना गुंडा राज रखा है कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली, डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर तो बेचारा वो थोड़ी आपके लिए दवाई लाएगा। बट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था कि इनको क्या क्या दवाइयाँ चाहिए होती, वो इमीडिएटली मेरे आपको जी रेमडेसिविर लानी है, जाओ जी बाहर रेमडेसिविर लाओ, उधर उस काउंटर पे लोग जाते हैं, यार अपने पास रखो, आप आपको पता है इसको पेशेंट को हमें चाहिए, या हमें हमारे पास कोरोना वार्ड में ही होने चाहिए, तो होने चाहिए, लेकिन आपको दौड़ाते हैं। सुबह आपको सिस्टर आते हैं, एक रेमडेसिविर लाओ, उसको पता है कि 5 देने तो इकट्ठे 5 लाख रखेंगे, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है माजिद साहब। ये ऐसे अगर चलेगा तो मतलब कश्मीरी सारे मर जाएंगे।
जी मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और हम दुआ करते हैं कि आप लोग सब जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं, अल्लाह ताला शिफा बख्शे। मैंने तो मैंने नाजरीन सब जी मैंने ये पूरे हॉल हवाश में रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कंपनसेशन इनसे आप ले लीजिए अगर मैं मर जाता हूँ, क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं रहेगा, ये तो क्योंकि मुझे बहुत जो है मुझे इन्होंने मारा है। हाँ, मैंने 5 करोड़ की कंपनसेशन से मांगा, अगर ये लोग मुझे अभी भी ठीक करते हैं तो मैं इनको 5 करोड़ देता हूँ, ये भी मैं कह रहा हूँ। ये तो अगर बहुत ये बहुत बहुत तकलीफ वाली कहानी है कि आप भी अगर बीमार हैं, आपके वालिद भी, मदर भी, बच्ची भी, सब बीमार हैं, और ये अगर हस्पताल ये कैसे जानों से खेल रहा है। अगर ये लोग मुझे ठीक अभी भी करेंगे, मैं 50 करोड़ मैं 5 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, और अगर ये नहीं मुझे ठीक करते तो आप इनसे 5 करोड़ लेके मेरे बच्चों के अकाउंट में डाल देगा। नहीं, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूँ गवर्नमेंट तक कि देखें कैसे स्कीम सौरा लोगों की जान से खेल रही है। मजदूर साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको शिफा याब करे, आपकी फैमिली को भी। तो नाजरीन देखें, ये जो स्कीम सौरा है ये कैसी एक गुंडा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे बन चुकी है, क्योंकि कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के, जो वहां पे, मैं तो ओपनली कहूंगा कि उनका कुछ क्विड प्रो क्वो है वहां के स्कीम्स के डायरेक्टर के साथ, जो कि यहाँ पे लोगों की जानों से खेल रहे हैं। और अब इंतजामिया से अपील होगी कि वो अब प्लीज करके इंटरवीन करें, और वहां पे डायरेक्टर नीड्स टू बी सैक्ड नाउ, उस डायरेक्टर को वहां रहने की जरूरत नहीं, जो एक वजह बन रहा है वहां पे कोविड इन्फेक्शन फैलने का। डायरेक्टर डॉक्टर अहंगर, आई से इट ऑन रिकॉर्ड, ही नीड्स टू बी सैक्ड बिकॉज ही इज बीइंग शील्डेड एंड सपोर्टेड बाय सम टॉप ऑफिसर्स इन सिविल सेक्रेटेरिएट। एक सीबीआई प्रोब होना चाहिए कि कैसे ऐसे नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स को हेल्म पे रखा गया, जो कि ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस में मुलविस हैं। जी, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।